इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ, शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्ययोग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्ययोग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी की चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे एकादशी तो बहुत ही पावन मुहूर्त वैसे भी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की चर्चा इसलिए की जा रही है कि ये श्रावण में आता है, श्रावण के महीने में आता है, और पुत्रदा एकादशी को अगर हम कुछ खास विधि से प्रयोग करते हैं तो हम अपनी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले एक इंसान विवाह करने के बाद एक ही इच्छा करता है, उसे संतान की प्राप्ति हो, जो योग्य हो, निपुण हो, समझदार हो, सबको चाहने वाला हो, सबको मानने वाला हो, अच्छे स्वभाव का हो। हर इंसान का एक सपना होता है, तो वो सपना पुत्रदा एकादशी का उपवास करने से आपको पूरा होता है, वो तो एक फायदा मिलता है। कुछ लोगों के बच्चे हैं और वो एक अलग लाइन में चले गए हैं, एक गलत लाइन में चले गए हैं, गलत संगत में चले गए हैं, माता पिता परेशान रहते हैं। ऐसे समय वो ये प्रयोग करें जिससे कि उनके बच्चे एक सही लाइन में आए, उनके बच्चों के मन मस्तिष्क में एक सही तरीके की ऊर्जा जाए और वो उस गलत मार्ग में जाने से बचें। ये एक लाभ मिलता है पुत्रदा एकादशी में। अगर आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनके नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, उनके बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं और भी उनकी चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं, तो भी आपको ये व्रत करना चाहिए खास विधि से, जैसे कि आपके बच्चे लोगों के लाइफ में जो आने वाली अड़चने हैं वो कम हो जाएं और वो एक सफल जीवन का निर्वाह कर सकें। आपके बच्चों के जीवन में रिलेशनशिप लाइफ में बहुत अड़चने आ रही हैं, शादी विवाह में बहुत सी अड़चने आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तब आप अपने बच्चे के लिए एक खास प्रकार का प्रयोग करें जिससे आपके बच्चों के राह में आने वाली जो अड़चने हैं, शादी विवाह वाली समस्याएं हैं और भी रिलेशनशिप से संबंधित कोई समस्याएं हैं, विवाह हो चुका है, विवाह के बाद में बाधाएं आ रही हैं, पति पत्नी में तनाव आ रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिले, तो पुत्रदा एकादशी बहुत अच्छा माना जाता है। पुत्रदा एकादशी आपके बच्चे की पूरी जीवन को मोड़ने की क्षमता रखता है, परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, बस इसको खास विधि से आपको करना चाहिए। इसके दिन उपवास रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का समय होता है, फलाहार और रसाहार रहें, यानी आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नॉनवेज तेल की चीज और खट्टी मीठी अचार तीखी चीजें इन ये चीजों को छोड़ दें। और इसके बाद आपको करना क्या है, आप सुबह के समय घेरे डाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, सामने एक लाल कपड़ा बिछा लें, भगवान शिव जी का फोटो रखें या शिवलिंग का रखें, या कोई शिवलिंग हो आपके पास तो उसको रखें। वो रखने के बाद आप शिवलिंग मुद्रा लगाएं, ये देखिए ये शिवलिंग मुद्रा है, ये इस तरीके से आपने मुद्रा लगाई। ये मुद्रा लगाने के बाद आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, जोर से खींचें, इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ये जी देख रहे हैं ये आसान मुद्रा है, शिवलिंग मुद्रा है। कुछ लोग इस मुद्रा को ऐसे भी लगाते हैं, याद रखिए कुछ लोग इस मुद्रा को ऐसे भी लगाते हैं और कुछ लोग ऐसे लगा लेते हैं, तो ये शिवलिंग मुद्रा है, ये मुद्रा लगाएं और यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रौम भूले सुराय ह्रौम फट, ओम ह्रौम भूले सुराय ह्रौम फट, ओम ह्रौम भूले सुराय ह्रौम फट, ओम ह्रौम भूले सुराय ह्रौम फट,
ओम ह्रौं भोले सुराय ह्रौं फट, ओम ह्रौं भोले सुराय ह्रौं फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रौं भोले सुराय ह्रौं फट, ओम ह्रौं भोले सुराय ह्रौं फट। इसके बाद कोई पीली मिठाई, पीले रंग की मिठाई अपने बच्चे को दें खाने के लिए, और शादी हो चुकी है तो भाई रहे अपने बहू बेटे दोनों को दें ऐसे, और या आपका आपके बहू बेटे दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके इमेजिन करो और उनके लिए ये भावना करो, ये मंत्र का जाप करते करते कि भाई उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, उनके जीवन में आने वाली अड़चनें कम हो जाएं, सब समस्याएं नष्ट हो जाएं, विघ्न नष्ट हो जाएं, जो भी आप सोचना चाहते हो वो सोचो। तो याद रखो ये 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं, बस ये मुद्रा लगा के करना है, इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर देना है। बस ये मंत्र जाप करते समय अपने बच्चे के बारे में सोचते रहो, बस उसके जीवन में जो अड़चने हैं वो ठीक हो जाए। और ये आपको करना है सिर्फ एकादशी के दिन शाम तक व्रत रखना है, और सुबह से लेकर शाम तक जितने बार हो ये मंत्र का जाप कर लो, बीच बीच में एक माला दो माला ऐसे बीच बीच में मंत्र का जाप करते रहो सुबह से लेकर शाम को 5-6 बजे तक। फिर आप उपवास तोड़ दो, यानी आप जो भी भोजन वोजन है वो आप कर सकते हो, तो ये प्रयोग करो। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो वहां पर आप पति पत्नी मिलकर जाएं, सबसे अच्छा माना जाएगा, और जाकर आशीर्वाद लें, उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे के अंदर जो परिवर्तन है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। बस आपकी श्रद्धा कितनी जरूरी है, बस ये है, श्रद्धा की जितनी मजबूत होगी उतना आपको फायदा मिलेगा। तो पूरे डेडिकेशन के साथ ये प्रयोग करें और इसका लाभ लें, अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।